और सामने वो जो देख रहे हो ना नीला नीला पर्वत पूरा घाटी है वो जो सामने बहुत ही भारत और गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और बसंती पीछे खड़ी है, सो के उठ गए हैं और अभी हम खड़े हुए हैं और रात को हम इसी ढाबे पे रुके थे। ये ढाबा है, मेरा बिस्तर भी पीछे लगा था। फिलहाल ढाबे की खूबसूरती के साथ साथ आपको यहाँ का नेचर दिखाता हूँ। सामने हाईवे है, पहाड़ है और ट्रक तो खड़े ही है। तो आज हम यहाँ से आगे मूव करेंगे और यहाँ से हॉस्पेट के लिए जाएंगे। तो फिलहाल हम जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, तैयार होते हैं और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। गाइस अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए और हमें जाना है नहाने और आज थोड़ा बसंती को भी साफ करना है, तो बसंती को भी वगैरह साफ करेंगे। जो हमने गला दिए थे थोड़ा 15 मिनट पहले, तो हमें कपड़े धोने और कपड़े धोने के बाद आज हम यहाँ पे बसंती को भी साफ करेंगे, थोड़ा सा उसको भी नहलाएंगे। तो भाई हमें काफी दिन हो गए थे, कपड़े तो हालांकि मैं रोज धोता हूँ पर ये पैंट नहीं धो पा रहा था क्योंकि मेरे पास एक ही पैंट है, तो इस पैंट को धोने के लिए मुझे टाइम चाहिए था। तो दोस्तों बसंती को धोना नहीं जा रहा क्योंकि आज मैं थोड़ा सा साफ करूंगा क्योंकि इसकी आगे सर्विस करवानी है और अगर मैं अभी साफ कर दूंगा तो मेरा ऑयल का वो खत्म हो जाएगा, फिर बसंती मुझे दिक्कत देगी। इसलिए इसकी आज थोड़ी सी पॉलिश कर देते हैं, उसको थोड़ा सा चमका देते हैं, फिर एक अच्छा शोरूम आएगा तब उस पर काम करेंगे। दोस्तों रवि भाई खड़े हैं और आज इनकी टंकी साफ हो रही है और साफ पानी से नहाने का एक अलग ही मजा है, तो इसमें तो साफ पानी आने लगा और ये लोग सभी टंकी साफ कर रहे हैं। तो बसंती हो गई है साफ, थोड़ी सी चमचमा गई है, बाकी शोरूम पे सब चमकाएंगे। और फिलहाल नया मस्त पानी आ रहा है और ये देखो भाई नहा लिए, मैं भी नहाऊंगा, पीछे रवि भाई खड़े हैं और वो भाई देखो साबुन लगा के नहा रहे हैं। बसंती को भी नहा दिया, खुद भी नहा लिए, अब खाने की बारी है क्योंकि हम आज खाना खा रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब हमें निकलना है। तो खाने में है दाल मिर्ची और रोटी। भाई खाना वाना रेडी खा लिया है और अब हमारी निकलने की तैयारी है, बस बसंती से पर्दा उठाना बाकी है और अब हम यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अब हम हाईवे पे आ चुके हैं और हाईवे पे खूबसूरत नज़ारा है। ये चीज़ देखिए, किस किस के गांव में ये सब चलता है बताइए, देख रहे हैं, दिख रही होगी मेरे पीछे, बैलगाड़ी का एक अलग ही मज़ा है भाई। और मैं आपको ये मज़े अपने वीडियो में दिला रहा हूँ। तो आज मौसम बहुत सुहाना है और इस बैलगाड़ी का ज़माना है, देख रहे हैं, ये देखिए सामने देख रहे हैं खूबसूरत वादियाँ। और हम जहाँ पर हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जिस एरिए से निकल रहे हैं हॉस्पेटे कोट्टूरू, भाई यहाँ के नाम बड़े खतरनाक खतरनाक नाम है। यहाँ पे सारे ट्रक वाले अपने ट्रकों को छोड़ के भाग गए हैं, देख रहे हो दोस्तों, खूबसूरत छोटे छोटे होटल देख रहे हैं आप और सामने देखेंगे खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत रोड और व्यू, मौसम की तो बात ही नहीं कह सकते, मौसम इतना शानदार हो रहा है कि राइड करने में बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। हैवी हैवी ट्रक मेरे बाजू से ही निकल के जाते हैं, पता नहीं इतनी बड़ी खाली रोड है। तो एक और चीज़ है कि यहाँ से आप सोलापुर भी जा सकते हो, सोलापुर भी यहाँ से आप सीधा इसी हाईवे से महाराष्ट्र के सोलापुर पहुँच सकते हो। अच्छा, मैंने कर्नाटक के इस बेल्ट में भी गेंदे के फूल की खेती बहुत देखी है और यहाँ पर भी देखो गेंदे की खेती हो रखी है। अच्छा सामने मैंने देखा कि जितना लंबा रोड दिखता है और अप एंड डाउन दिखते हैं तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों शाम के बज गए 5 और देख रहे हो 5 बजे का टाइम इसलिए है क्योंकि ये बकरियाँ ये सभी लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे।
और दोस्तों ये है जंगल, कर्नाटक का एक और जंगल जो कि स्टार्ट हो गया है, फॉरेस्ट एरिया। और ये खूबसूरत पहाड़, नीचे हाईवे और एकदम सामने ही लग रहा है जैसे। और सामने वो जो देख रहे हो ना नीला नीला पर्वत, पूरा घाटी है वो जो सामने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये पूरी घाटी है, घाट है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ एकदम सामने, जैसे ट्रक के एकदम जो नीला नीला देख रहे हैं वो है घाटी। थोड़ा सा आराम करने के लिए यहाँ पर रुक गया था और देख रहे हैं खूबसूरत पेड़ थे तो इसकी छाएँ भी खूबसूरत थी। फिलहाल हम आए थे इस हाईवे से, इस तरफ से, और ये रास्ता था हमारा और जाना हमें इस तरफ है। तो हम यहाँ से अभी भी 50 किलोमीटर है तो हम यहाँ से आगे जाएंगे। सो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मैं अपनी बसंती को लेके चला जा रहा हूँ। दोस्तों एक और हाईवे आ गया, टोल आ गया एक और अब हम इस टोल को भी क्रॉस कर रहे हैं। मैं चाय के लिए रुका था इस शॉप पे और इन बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी, सारे के सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे थे जो कि अपना स्कूल छूटने के बाद निकले थे और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि जब आप देश भर में भ्रमण करते हैं और स्कूल के बच्चे आपको मिलते हैं। जय बोलो भारत माता की, जय वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद वाली हो और गुड इवनिंग होने वाली हो। सो यही है सूरज की लाली और यही है प्यारे प्यारे खेत जिनसे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ घुमाते हुए। फिलहाल हम हाईवे पे हैं और शाम के 6:30 बज चुके हैं भाई और अभी तक हमें ढाबा नहीं मिला है, तो ढाबा ढूंढने की कोशिश की जाएगी और अगर हमें ढाबे पे जगह मिल गई तो फिर आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। और सामने देख रहे हैं खूबसूरत पहाड़ और तालाब। शाम के बज गए हैं 8:30, पता नहीं है, टाइम नहीं देखा, बट हाँ मैं फ़िलहाल इस ढाबे पे आया हूँ और कुछ लोग थे जो कि मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप कहाँ से आए हैं। ये लोग कन्नड़ से हैं और इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी, कन्नड़ में कुछ बोलिए। आपने सुना होगा इन्होंने जो मुझे बोला कन्नड़ में, उसका मतलब है कि आप इतनी बड़ी जर्नी कर रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, ब्रिजेश शर्मा की यात्रा शुभ हो और आप ऐसे ही आगे भी यात्रा करते रहें। तो ये था कन्नड़ में इनका बोलना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों बसंती बाहर पार्क कर दिया और हम जिस ढाबे पे आए थे वहाँ पे हमें आज रात को रुकने की जगह मिल गई है। तो ढाबा ये है और ढाबे के ओनर हैं, सर आपका नाम क्या है? जगरूप सिंह, जो कि कल भी हम एक पंजाबी ढाबे पे थे, वो जम्मू से थे और भैया पंजाब से हैं, को कन्नड़ अच्छी आती है, लोकल लोगों को कन्नड़ में बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। तो हमने जब भैया से बात किया कि भैया मुझे आज रात को ऐसे रुकना है तो उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि भाई रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, गरम गरम रोटी है, ककड़ी है, मिर्च है, चटनी है और आज हम सब्जी जो है वो क्या है वो बता देता हूँ। इस सब्जी है जी चना और राजमा मिक्स है। कई सारे लोग इंडिया में जो भी लोग घूमने के शौकीन होते हैं उन्हें ओपन स्पेस और ढाबे काफ़ी सारे पसंद आते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हैं तो आज भी मैं एक ओपन स्पेस ढाबे पर ही सोने वाला हूँ। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ये जगह आपको कैसी लगी। तो भाई हम पाजी के यहाँ पे बढ़िया जगह भी मिल गई है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा और कैसी लगी ये जगह।